बॉलीवुड अपने आप में कई किस्से समेटे हुए हैं। यहाँ इतने सालों से बहुत कुछ हुआ है। कभी कोई एक्टर किसी से नाराज होता है तो कोई किसी के लिए पागल, कभी किसी का प्यार परवान चढ़ा तो कभी किसी ने किया किसी से ब्रेकअप। आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से बताने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। धर्मेंद्र गलतियां करने के लिए लाइटमैन को देते थे पैसे। शोले फिल्म इतिहास की बहुत मशहूर फिल्मों में से एक रही है। शोले की शूटिंग के वक्त धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का प्यार परवान चढ़ रहा था। फिल्म के एक सीन में धर्मपाजी हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखा रहे थे। उस सीन को फिल्माने के दौरान धर्मेंद्र लाइटमैन को बार बार गलतियां करने के लिए अलग से पैसे दिया करते थे। गजानना की रिलीज ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। फिल्म बाजीराव मस्तानी का गाना गजानना को पुणे के बॉलीवाड़ी स्टेडियम में रिलीज किया गया था। रिलीज के वक्त लगभग 5000 से ज्यादा बच्चों ने भगवान गणेश के आकार की सबसे बड़ी ह्यूमन चेन बनाई थी। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। शाहरुख नहीं सैफ अली खान को मिला था राज का किरदार। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में राज मल्होत्रा का किरदार पहले किंग खान नहीं बल्कि सैफ अली खान को ऑफर किया गया था। गांव का कर दिया मेकओवर। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार ने सिंग इज ब्लिंक की शूटिंग के दौरान मलोमल गांव पंजाब को लाल नारंगी और पीले रंग से रंग दिया था। अक्षय ने पूरे गांव की सूरत ही बदल दी थी। सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि सिंगर भी है फवाद। खूबसूरत फेम फवाद खान एक पाक रॉक बैंड एनटीटी पैराडाइम के लीड सिंगर थे। उनका पहला एल्बम इर्तिका 2003 में रिलीज किया गया था। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को बढ़ाना स्पेन का टूरिज्म। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के रिलीज के बाद स्पेन जाने वाले भारतीय में 32% का इजाफा हुआ। रॉकस्टार रिवर्स ऑर्डर में हुआ शूट। रॉकस्टार एक ऐसी फिल्म है जिसका क्लाइमैक्स पहले शूट हुआ था, मसलन फिल्म रिवर्स ऑर्डर में शूट हुआ था। लगान चाइना में रिलीज हुई पहली फिल्म। लगान पहली बॉलीवुड फिल्म है जो चाइना में रिलीज की गई थी। शंघाई बीजिंग में इसका प्रीमियर हुआ था। 13 साल की उम्र में माँ का किरदार। श्रीदेवी ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म मुंडरू मुंडीच में रजनीकांत की सौतेली माँ का किरदार निभाया था। चेन्नई एक्सप्रेस का क्या था टाइटल? रोहित शेट्टी को फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का टाइटल पसंद नहीं था। वह इस फिल्म का टाइटल रेडी स्टडी फोर रखना चाहते थे। क्रिकेटर बनना चाहते थे आतिफ। मशहूर पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम बचपन से ही सिंगर नहीं बनना चाहते थे बल्कि वह क्रिकेटर बनना चाहते थे। इतना ही नहीं आतिफ एक बार अंडर 19 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सेलेक्ट किए गए थे। फेमस साधना कट हेयर स्टाइल। इतने सालों बाद आज भी अभिनेत्री साधना हेयर स्टाइल साधना कट फेमस है। यह आइडिया लव इन शिमला में डायरेक्टर आर के नैयर का था। बाद में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आपका इस बारे में क्या कहना है अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।